अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज और 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारे साथ पार्ट नंबर 2 है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसमें ये कहते हैं कि जब अल्फा बीटा ये रूट्स हैं इस इक्वेशन का, अल्फा बीटा ये रूट्स हैं इस इक्वेशन का, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करें, यानी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इसका वैल्यू फाइंड करें। आइए ये किसी तरह सोल्व करना है। सॉल्यूशन, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, हमने जो पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है इस तरह ये भी सॉल्व करना है। हमने जो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो फॉर्मूले यूज़ की थी, इस मुकम्मल चैप्टर में हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं इसमें भी ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता है। ठीक है, पहले हम सम ऑफ द रूट्स फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, हम सम ऑफ द रूट्स यानी सम ऑफ द रूट्स हम एस से रिप्रेजेंट करता है, यानी एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे साथ सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। हमने सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करता है। ये हमारे साथ सम ऑफ द रूट्स फाइंड। ठीक है, देखिए फिर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल टू अल्फा जरबे बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा जरबे बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड हुआ। माय डियर स्टूडेंट, हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स दोनों पॉइंट किया, फिर हम जो गिवन इक्वेशन हमें दिया है, गिवन इक्वेशन दिया है हमारे साथ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये एक्चुअली हमारे साथ एक फॉर्मूला है। देखिए ये हमारे साथ वी गिवन हमारे साथ क्या दिया है, ये देखिए, यानी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये जो है डियर स्टूडेंट, ये एक्चुअली हमारे साथ एक फॉर्मूला है। देखिए यहाँ ये फॉर्मूला है हमारे साथ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। एक्चुअली हमारे साथ ये फॉर्मूला ये है। ठीक है, लेकिन हम क्या फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। यह देखिए एक जगह हमारे साथ अल्फा है और बी की जगह हमारे साथ बीटा है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ आइए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर ये हमारे साथ एक्चुअली फॉर्मूला है इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। फिर देखिए हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। यह आइए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, यह हम एक स्टेप ऐड करते हैं कि हम एक बार हम प्लस अल्फा बीटा लिखते हैं और एक बार माइनस अल्फा बीटा लिखता है, क्योंकि हम इसलिए लिखते हैं कि जब हम ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि जब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाती है फिर इस स्टेप पर कोई असर नहीं पड़ता, जब हम ये आपस में कैंसिल करें फिर हमारे साथ ये रह जाता है, इसलिए हम ये कर सकता है, क्योंकि जो पहले जो स्टेप है इसमें कोई असर नहीं पड़ता, हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इसका वैल्यू फाइंड करते हैं इज इक्वल टू तरतीब में लिख ली, पहले प्लस वाला लिखी फिर माइनस वाला लिखी, ये प्लस वाला है ये आगे करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा और माइनस टू अल्फा बीटा, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट यह देखिए ये हम रेड पेड से ये रिप्रेजेंट करें, माय डियर स्टूडेंट ये एक्चुअली फॉर्मूला है लेकिन ये फॉर्मूला है लेकिन ये प्लस वाला फॉर्मूला है, देखिए कैसा है यह देखिए, यह हम ये फॉर्मूला है एक्चुअली, यह देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, एक जगह हमारे साथ अल्फा है, ए की जगह हमारे साथ क्या है अल्फा है और बी की जगह हमारे साथ क्या है बीटा है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह हमारे साथ क्या है अल्फा है और स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारे साथ बीटा है स्क्वायर प्लस ए की जगह हमारे साथ क्या है अल्फा और बी की जगह हमारे साथ बीटा। डियर स्टूडेंट देखिए ये और ये भी दिखे ये दोनों सेम है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, जी हाँ हम ये ऐसा लिख सकते हैं, ये दिखे और ये दिखे ये दोनों सेम है लेकिन ये हम ऐसा लिख सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट ये यहाँ दिखे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हम इस तरह लिख लिया। ठीक है, फिर ये माइनस टू अल्फा बीटा और माइनस टू अल्फा बीटा ये हमारे साथ माइनस और भी माइनस प्लस माइनस फोर अल्फा बीटा,
माइनस फोर अल्फा बीटा। डियर स्टूडेंट, यानी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, माइंड स्टूडेंट हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स दोनों फाइंड किया है। यह देखिए, ये हमारे साथ सम ऑफ द रूट्स है और ये हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ये सम ऑफ द रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। हमने सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों फाइंड किया है। देखिए यहाँ यह हमारे साथ क्या है, सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई पे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे साथ क्या है, ये यानी अल्फा जब बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई पे। हम इसमें ये वैल्यू पुट कर सकता है, यानी पुटिंग द वैल्यू इसमें हम वैल्यू पुट कर सकता है, यानी सम ऑफ द रूट्स का जो हमारे साथ जो वैल्यू है माइनस बी डिवाइड बाई ए, यहाँ हम माइनस बी डिवाइडेड बाई और ए और ये स्क्वायर माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमने पाइन किया है और ये हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, यह हम फोर और यह हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे साथ सी डिवाइडेड बाई ए, और यह हम सी और डिवाइडेड बाई ए हमने पुट किया। फिर देखिए, यानी अल्फा माइनस बीटा हम इसका वैल्यू पाइन करते हैं, ठीक है, ये इसका वैल्यू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें माइनस बी होल स्क्वायर। जब हम माइनस बी पर स्क्वायर ली, यानी माइनस बी और माइनस बी, माइनस जर बी माइनस प्लस बी जर बी बी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बी स्क्वायर, तो हमारे साथ क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय, और ये ए पर बी है यानी ए स्क्वायर माइनस फोर ए के साथ फोर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी ए सी डिवाइडेड बाय और ए। फिर देखिए, यह हमारे साथ माइनस है, जब मैं इसमें माइनस और प्लस आ जाए इसमें हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यह देखिए, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल, जब हम इस दोनों का एलसीएम लें हमारे साथ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यह देखिए, यानी ए स्क्वायर हमारे साथ ये मेथड आप सीखिए, यानी ए स्क्वायर हमारे साथ ये ए स्क्वायर आपस में क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया, वन रह गया, वन रह गया, और वन के साथ मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर साथ बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे साथ क्या रह गया, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा, वन हमारे साथ बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें वही आ जाता है बी स्क्वायर आ जाता है। फिर देखिए, ये ए स्क्वायर है और ये एक ए है, ये मेथड आप सीख के ये बहुत आसान मेथड है, ठीक है, ये ए स्क्वायर है और ये ए है, याद देखिए, यानी ए स्क्वायर और एक ऊपर क्या है और एक ए है, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ दो ए है, ठीक है, यानी हम स्क्वायर हट जाता है, हम मिटाता है, फिर हम यानी ए स्क्वायर था, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ टू ए है, यानी हमारे साथ क्या रह गया, टू ए है, ठीक है। जब हम ये दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करें फिर स्क्वायर बन जाता है, इसी तरह स्क्वायर फिर बन जाता है, यानी एक ए इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे साथ एक ए रह गया, और एक रे एक ए हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्या होगा, यानी ए जब हम ए सी ए के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे साथ फोर ए सी रह जाता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, हमने ये सारा प्रोसेस किया, फिर हम क्या करते हैं, ये एक्चुअली ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये इसका क्या है, वैल्यू है। हम ये कह सकता है कि इसका सोल्यूशन हमारे साथ क्या है, ये है।